बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब से लाइव हूँ जी आपके साथ में। आपको दे दूंगा आज की एक अपडेट। अपडेट यह है कि भाई एक आपको फ्रॉड बताऊंगा मैं आज, धोखाबाजी आप में से बहुत से लोगों के साथ हुआ भी होगा, जो खासकर मेरे भाई यहाँ सऊदी अरब में मुकीम है। मैं खुद और मेरे दो तीन दोस्त भी इस धोखे का शिकार हो चुके हैं, तो बात करूंगा जी। आपने थंबनेल में शायद पढ़ भी लिया हो, सैमसंग गैलेक्सी A71 369 रियाल में। जी मेरे भाई, आप अगर फेसबुक यूजर हैं, ट्विटर यूजर हैं, इंस्टाग्राम यूजर हैं, तो अगर आप इंस्टाग्राम चला रहे हैं ना, तो आप चला रहे हैं तो ये मेरे भी इंस्टाग्राम पर ये आया है जी। तो मैंने ये स्क्रीनशॉट सेव किया और आप लोगों को इसके मुतालिक बता देता हूँ, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि आप एक ऐड आ जाएगा जी सैमसंग गैलेक्सी A71 369 रियाल में। नीचे लिखा होगा शॉप नाउ, आप शॉप नाउ पर क्लिक करेंगे, आपसे वो आपका नाम पता पूछेगा, आप किधर रहते हैं, आपका मोबाइल नंबर क्या है, उसके बाद ओके बस 369 रियाल लिखा होगा, मोबाइल की शक्ल भी A71 की ही बनाई होगी, ओके कर देना। ओके कर देंगे जी, उसके बाद क्या होगा कि जब मैंने उस टाइम ओके किया था HTC M8, जी मेरे भाई आपने देखा होगा HTC M8, उसके मुतलक तो वो मैंने ओके किया था ना, तो मुझे उससे दो दिन बाद गालबन दुबई से कॉल आई थी जी, एक वो दुबई से, हालांकि सऊदी से ऑर्डर किया था, दुबई से कॉल आई जी कि आपका ये आपने ये पार्सल ऑर्डर किया है जी, आपने बिल्कुल किया? मैंने बोला जी बिल्कुल किया है। वो बोलते ठीक है फिर आपको ये पार्सल सर 5 से 7 दिन में मिल जाएगा आपके क्रीम तरीन जो TCS ऑफिस है, यानी कि समसा का दफ्तर है जो वहाँ पर। मैंने बोला ठीक है। वो वाकया ही ऐसा ही हुआ, उससे 5 दिन या 6 दिन बाद समसा की तरफ से मुझे एक मैसेज आया मेरे उसी मोबाइल नंबर के ऊपर कि आपका एक पार्सल हमारे पास पड़ा हुआ है, आप अगर उठाना चाहती हैं तो आप आइए समसा के दफ्तर और ले जाइए। मैं भाई वहां पर गया, मैंने देखा 470 रियाल का मेरे शायद मैंने मंगवाया था या 570 का, मुझे अभी कन्फर्म याद नहीं है। मैंने उससे पूछा कभी देख लूँ, वो बोलता देखना नहीं है, अगर आप पैसे देंगे तो हम देखने देंगे, ऐसे नहीं, अगर आपने लेना है ठीक है, नहीं लेना है तो हम 3 दिन बाद इसे भाई वापस भेज देंगे। तो मैंने बोला भैया मंगवाया, चलो यार ओपन करते हैं। मैंने पैसे दे दिए, वो ले लिया। वो मेरी किस्मत अच्छी थी या एक पीस था या उस मोबाइल की उस टाइम वैल्यू नहीं थी भाई कि वो भाई पीस अच्छा निकला। हालांकि मैं उसे खोल कर भी मैंने वो पीछे फिक्सेबल होता है आपको पता है, तो मैंने वो उसका नीचे नीचे आगे पीछे सारा अच्छे से विजिट किया, उसका IMEI जो उसका कोड होता है, जो नंबर होता है, वो भी सर्च में डालकर देखा, तो वो मोबाइल तो ओरिजिनल था। लेकिन बस बारह जो एक पीस मुझको मिल गया। उसके बाद मेरे एक दोस्त ने भाई Galaxy J7 उस टाइम उसने ऑर्डर किया, तो आप यकीन कीजिए उसे वो मोबाइल मिला 350 में, और वो उसकी ऊपर वाली केसिंग और जो स्क्रीन पर ग्लास लगा हुआ था वो नया लगाया था बस। और जब मोबाइल खोला हमने अंदर से, बिल्कुल सेकंड हैंड यूजेबल मोबाइल, जैसे 2 साल चला हो, रिपेयर किया हुआ, ऊपर से केसिंग वगैरह नया डाल दिया उन लोगों ने बस, और 350 रियाल ले लिया था। वो एक धोखा फ्रॉड हुआ था। उसके बाद मेरा एक और दोस्त था जी, उसने नोकिया का A70 मोबाइल था, छोटा जो होता है, पुराने वक्त में चलते थे, उसने वो ऑर्डर किया एक साथ एक फ्री 170 रियाल में। उसने वो ऑर्डर करिए, वो 2 सेट आए और आप यकीन कीजिए वो दोनों की ये कंडीशन थी कि उनके ऊपर जो केसिंग लगाई गई थी ना, वो केसिंग की पिछली जो बैटरी वाली वो पीछे से जहाँ बैटरी बंद करते हैं, डब्बी होती है ऊपर वाली प्लास्टिक वाली, वो बंद नहीं होती थी भी, वो भी यूजेबल उन लोगों ने उठाए थे, उसे थोड़ा बहुत रिपेयर किया था, चलने के काबिल बनाया था, ऊपर केसिंग नहीं डालती थी। चलो भी ये फ्रॉड है, ऐसी किसी भी वेबसाइट पर आप मत जाएं, ऐसी किसी भी जगह से शॉपिंग मत करें। हाँ, अगर आपने शॉपिंग करनी है तो आप जाएंगे सूक, सऊदी सूक जो souq.com है, आप जाएं नून इत्सालात पर, जो कि अभी काफ़ी सऊदी अरब में पॉपुलर हो रही है, नून इत्सालात वहाँ पर जाएं, वहाँ से आप भाई आपको कोई भी चीज़ की ज़रूरत है आप उनकी उनसे खरीदें, वो आपको भाई अच्छे में दे देंगे और चीज़ भी अच्छी होती है। मैंने खुद से 2 चीज़ें मंगवाई हैं, हैंड फ्री और डाटा केबल वगैरह, वो मुझे भाई ओरिजिनल ही जैसा उन लोगों ने लिखा था वैसी ही मिली है। तो ये कुछ ऑनलाइन वैरायटी है जी, जो यहाँ से आप खरीद सकते हैं। ऐसी किसी भी भाई जो आपका फेसबुक या इंस्टाग्राम पर ऐड वगैरह आ रहा है, 1500 रियाल का मोबाइल है, आप भी 300 रियाल में, 350 रियाल में आपको दे रहे हैं, तो ये झूठ है जी। आप अपना 400 रियाल बर्बाद करेंगे और इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा।